लेकिन ये जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खान साहब और बुशरा बीबी साहबा किन केसेस के अंदर इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, और अगर इन केसेस के अंदर बेल होती है तो क्या कोई नया मुकदमा है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं जिनमें इस वक्त वो पाबंदे सलासल हैं वो दो तरह के हैं। एक है तोशाखाना जो पार्ट फोर स्टार्ट किया गया, नई घड़ियां निकल आई और जिसमें गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी तरीके से डाली गई, जैसे 9 मई को खान साहब को अगवा किया गया था और उस वक्त इसी तरह से किया गया था। तो इसमें भी यही किया गया कि खान साहब और बीबी साहबा दोनों ने प्रीवियस बेल्स जो हैं वो अदालत में मूव की। अब अदालत को चाहिए था कि एज ए मैटर ऑफ राइट प्रीवियस बेल्स जो हैं वो दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। और साथ जो तोशाखाना केस के अंदर नोटिस दिए गए थे खान साहब और बीबी साहबा को, उनको भी हालांकि चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब वो केस सुन सकते थे, लेकिन 5 दफा लगने के बाद भी वो ना सुना गया। कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी जज अवेलेबल नहीं है। अगर उन नोटिस जो चैलेंज किए गए थे उन पिटीशन के ऊपर समाप्त की जाती और उन नोटिस को सस्पेंड किया जाता, उनकी गिरफ्तारी को रोका जाता, तो डेफिनेटली तोशाखाना में नहीं हो सकती, क्योंकि पहले तोशाखाना में दोनों की गई, खान साहब और बीबी साहबा की, और उसके बाद 9 मई के केसेस के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो की गई। अच्छा, मैं बड़ा क्लियर हो गया कि एक खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी है और बाकी जो 9 मई के केसेज हैं उनमें गिरफ्तारी डाली गई है। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। अब स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि जो तोशाखाना केस है उसके अंदर जो है उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर अमर फारूक से वो केस हट गया, अब नए बेंच बनाया गया है। और उसमें ये है कि एक ये चीज अच्छी है कि कम से कम अमर फारूक साहब नहीं होंगे, कि कम से कम कोई ऐसे जजेस के पास केस जाएगा जो कि इंसाफ फराहम करेंगे, नंबर वन। तो वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है, उसमें बेल इसलिए नहीं मूव की गई क्योंकि अभी वो रिमांड चल रहा है, क्योंकि ये 11 रोजा रिमांड मजीद दिया गया था और जो 11 दिन ये मिलाकर पीछे 25 दिन का मिलाकर तो ये कोई बनता है 36 दिन का जो रिमांड मुकम्मल होगा। तो 36 दिन के रिमांड के बाद हो सकता है फिर 4 दिन का दिया जाए और 40 दिन पूरे किए जाए, क्योंकि नैब के अंदर तरामीम इसलिए लाई गई थी कि 40 दिन जो रिमांड है कि खान साहब की जब गिरफ्तारी डाली जाए तो वो पूरा किया जाए। तो अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वो गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी डिक्लेयर करते हुए उस की खान साहब की रिहाई के अहकाम जारी किए जाते हैं उस केस की हद तक कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि खान साहब और बीबी साहबा दोनों की तरफ से ये चैलेंज किया गया, और अगर दोनों की तरफ से वहां पर ये कहा जाता है कि ये गैर कानूनी था, क्योंकि गैर कानूनी बनता है जब एक बंदा कोर्ट से रजू कर लेता है बेल के लिए तो फिर उसे जमानत एज ए मैटर ऑफ राइट प्रीवियस बेल मिलती है, लेकिन नोटिस किए गए। और हालांकि नैब ने भी उस वक्त कहा कि ऑन रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है। तो उस सूरत हाल के अंदर जब कोर्ट देखेगी कि वाकई जब उन्होंने भी ये कहा और इन्होंने बेल्स भी मूव कर दी थी खान साहब और बीबी साहब ने, तो फिर ये तो गिरफ्तारी करनी ही नहीं चाहिए थी और ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, तो फिर उसकी हद तक जो है मामला जो है वो हो सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि खान साहब और बीबी साहबा वो दोनों उनकी हद तक इसमें ऑर्डर अगर आए तो सिर्फ बीबी साहबा वो उनकी रिहाई यकीनी हो सकती है। हाँ, ये ना हो कि एक नया मुकदमा बनाकर, क्योंकि इनसे तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है ना कि एक मुकदमे में बरी होता है बंदा तो नए में उठा लेते हैं। किसी सूरत भी आपने ये यकीन नहीं करना कि कोई अच्छे की उम्मीद है इनसे। सेकंड बात यह है कि अगर यहां से ये खत्म होता है तो दूसरी तरफ 9 मई के केसेस बच जाते हैं खान साहब की हद तक, क्योंकि बीबी साहबा की हद तक वहां पर गिरफ्तारी नहीं डाली हुई। तो 9 मई के जो केसेज हैं उनमें बेल जो है वो इस वक्त दायर हो चुकी हैं, तो अब देखते हैं कि उसके अंदर अदालत कितना जल्दी फैसला देती है। तो उसमें नोटिस हुए थे और अदालत अगर उसमें फैसला जल्दी दे देती है, हफ्ते में आ जाता है या 8-10 दिन में आ जाता है या 12 दिन में आ जाता है, तो फिर अगर बेल्स कन्फर्म हो जाती हैं तो फिर ऑन रिकॉर्ड इस वक्त ऐसा कोई सामने मामला नहीं है कि नया कोई वो एक 3 MPU के तहत या कोई इस तरह की चीज कर लें। ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो कहें कि जनाब ये गिरफ्तारी जो है इसमें हम डाल रहे हैं, क्योंकि जितने केसेज प्रेजेंट चल रहे हैं उनकी मैंने आपको तफसीलात बता दी कि इनमें गिरफ्तारी डाली गई है। हाँ, छुपा के कोई ऐसा रखा हुआ हो या कोई इंक्वायरी या कोई मामला, उसके लिए यह है कि एक तरीकाकार है कि हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएं। तो उस हवाले से जो है वो हमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी साहबा के मुकदमात की जो तफसीलात आई तो उसमें 12 नए मुकदमात
जो है आपके सामने है, जिसमें 9 मई के केसेस थे, 11 और एक और केस था। तो इसी तरह से खान साहब के हवाले से भी हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो जो जब तफसीलात एक जगह पर आ जाएंगी, और उसमें जो है क्योंकि हमने आगे पटिशन जो दायर की उसमें ये भी कहा हो कि मजीद किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जाए, तो अब डिपेंड करता है अदालत के ऊपर, क्योंकि ये सारा मामला अदालत का है। और अगर अदालत ये स्टैंड ले लेती है, देख लेती है, क्योंकि सब हर एक अदालत हर जज को पता है कि झूठे केसेस हैं, अगर अदालत स्टैंड लेती है किसी जगह के ऊपर जहां पर पटिशन दायर हो के अब मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए कि ये भी केसेस झूठे हैं, इनमें भी रिहाई की जाती है, और बाकी जो तोशाखाना वाला है वो मैंने आपको तफसील बता दी, तो फिर ये है कि वो उस तरह से एक प्रोटेक्शन मिल जाती। जब तक अदालत नहीं स्टैंड लेगी, अदालत नहीं खड़ी होगी, तब तक रिहाई यकीनी नहीं हो सकती। लेकिन जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है कि अदालतें भी अपना भार जो है वो अपने ऊपर कंधे के ऊपर नहीं ला रही और इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखें पूरे आपको चाहे वो 5 अगस्त से लेकर या 9 मई से पहले केसेस, तो जितनी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, हर जज को पता है कि केसेस झूठे हैं, लेकिन आपने नहीं देखा कि कोई इस तरह का कोई जो है वो डिसीजन आया हो या फैसला आया हो। अगर फैसला इस तरह का आता है तो यकीनन उसके अंदर जो है वो अदालत के पास जवाबदीद है कि वो एक ऐसी पावर इस्तेमाल करे कि मजीद नहीं करना, जैसे 9 मई को किया गया था और फिर प्रोटेक्शन मिले, उसके अलावा नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है आपके सामने है कि मैं किसी सूरत भी आपको वो होता है ना कि गलत भरोसा दिलवाना कि जनाब नहीं खान साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, निकल रहे हैं। देखें एक लीगल फाइट है जो कि जारी है और वो हम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। पॉलिटिकल भी फाइट है जो वो भी जारी है, जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियां भी निकल रही हैं, अभी 13 अगस्त को शाम को भी है, फिर जलसा इस्लामाबाद के अंदर 22 के लिए भी, अगर वो सारा मामला तय होता है, इसी तरह से लाहौर के अंदर जो है पटिशन मूव की है, तो ये सारी सूरत हाल भी जारी है। ये ज्यादा केसेस जो है वो लीगल नहीं है, ये ज्यादा पॉलिटिकल मामला है, तो पॉलिटिकल तरीके से इन्हें हल करना है। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अदालतों को चाहिए कि वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें और मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम करें। बहुत शुक्रिया।